नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा। हमारे साथ श्वेता सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं। वो पूछती हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ एक्ने? देखिए, एक्ने जो नॉर्मल भाषा में पिंपल्स बोलते हैं, इसमें दो तीन तरह के एक्ने होते हैं। वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, कॉमेडोन्स होते हैं। एक्ने एक एज रिलेटेड, मतलब ये एक इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है जो कि 80% लोगों में आता है। जैसे 16 साल से 25 साल की उम्र के बीच में 80% लोगों को एक्ने आता है। किन्हीं को ज़्यादा आ जाता है, किन्हीं को कम आता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो हम मेडिसिन चलाते हैं। तो देखिए, एक्ने का आप, जैसा कि मैंने कहा कि एक 25 साल की उम्र तक किन्हीं किन्हीं को थोड़ा सा आता रहता है। इसको ऐसे करके एकदम नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल बंद हो जाए। ये एक हार्मोनल है, ये जैसे आप ग्रोथ होता है एक्ने आता है। और इसको हटाने के लिए जो बेसिक मेडिसिन से डिपेंड करता है कि आपका एक्ने किस टाइप का है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, कॉमेडोन्स है, पेपुलम, ग्रेडिंग ऑफ एक्ने होता है, ग्रेड वन है, टू हो, पेप्यूल्स है, पस्ट्यूल्स है ना, या नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, इनकी अलग अलग दवाएँ होती हैं। जनरली आप क्या कर सकते हैं, आपके फेस में, आप अपने फेस को क्लीन रखने के लिए फेस वॉश करना है। मैं फिर से कहूँगा एक्सरसाइज, पानी। और जहाँ तक एक्ने ट्रीटमेंट का सवाल है, उसकी एक अलग मेडिसिन का कोर्स है, वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी एक्ने को फोड़ना नहीं चाहिए। कुछ मैक्सिमम लोगों को दबाने की आदत होती है, खुरचने की, जिसके कारण वो जो एक वाइट मटेरियल निकलता है तो उनको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि कुछ निकला है तो अब ये ख़त्म हो गया। वो ख़त्म नहीं होता है, बजाय वो वहाँ पे एक काला धब्बा छोड़ के जाएगा या स्कार्स छोड़ के जाएगा, जो कि ट्रीटमेंट जिसका बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो पूरी तरह ठीक भी नहीं होता। इसलिए कभी भी एक्ने को फोड़ना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। बाकी एक्ने का एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है, बहुत सारी दवाएँ भी होती है, केमिकल पील्स भी होता है, तो वो अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से आप कंसल्ट करके दिखवा सकती हैं। शुक्रिया श्वेता सिन्हा जी। पिंपल्स, लोग बोला जाता है कि एज अ साइन ऑफ प्यूबर्टी भी देखा जाता है, लेकिन लोग उससे घबरा जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को या फिर छोटे बच्चों को भी पिंपल्स हो जाते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उससे कि पिंपल्स हो गया तो उससे रेडनेस हो जाता है, उससे निशान हो जाता है चेहरे पर, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? पिंपल्स क्या प्यूबर्टी में ऐसा ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा अपना प्यूबर्टी एज अटेंड करता है तो उसको पिंपल्स हो ही? 80% लोगों को पिंपल्स आते हैं, जैसे कि लड़कियों में बिटवीन 14-15 ईयर्स ऑनवर्ड्स से 25 साल तक, लड़कों में 16 साल के बाद तक 80% लोगों में आता है। किन्हीं को कम आता है, किन्हीं को ज़्यादा आता है, किन्हीं को नहीं भी आता है। 20% लोगों हैं जिसमें पिंपल्स प्रोन स्किन नहीं होता है। तो पिंपल, मैंने जैसे कहा, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे कि इन्होंने कहा, एक प्यूबर्टी के बाद वो हार्मोनल चेंजेस के कारण बॉडी में वो आता है। पिंपल्स का यही ध्यान रखना है, उसे फोड़ना नहीं है, फोड़ेंगे तो दाग या गड्ढा छोड़ के जाएगा, जिसका इलाज काफ़ी महंगा और काफ़ी दिक्कत वाली इलाज होती है, और वो पूरी तरीके से जाता भी नहीं। बस यही ध्यान रखना है, पानी अच्छे से, फिर मैं बोलूँगा, पानी के सेवन अच्छा करना है, फेस वॉश करना है, फल खाना है, तला छाना चीज़, मीठा चीज़ कम खाना है, जिससे कि पिंपल्स कम से कम हो। और जैसा कि मतलब देखा गया है कि पानी पीना, दर्शकों बहुत बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वो आपके चेहरे को, आपके स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है पानी पीना। डॉक्टर साहब लगातार ये बात बता रहे हैं कि पानी पीने से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना हमारे स्किन के लिए वो फ़ायदेमंद होता है।